बिग बॉस सीजन 16 में जब से अर्चना गौतम आई हैं, एक ऐसा दिन नहीं है जब वो बंदी शांति से बैठ गई हो ये सोचते हुए कि हाँ ठीक है बिग बॉस तो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, बल्कि उसने हर दिन अपना 100% दिया है। अब जबकि 80 दिन हो गए हैं बिग बॉस को शुरू हुए, बिग बॉस चलते हुए, इन 80 दिनों में अब जाकर अर्चना गौतम को एक ऐसी चीज रियलाइज हुई है जो वो बता रही हैं सबको कि उन्हें ये रियलाइज हुआ है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी चीज उन्हें रियलाइज हुई है जो वो सभी को बता रही हैं। अर्चना हाल ही में घर के अंदर लाइव फीड में ये फुटेज वायरल हुई है बेसिकली, जहां पर अर्चना और सौंदर्य बैठे हैं वो कॉर्नर वाले एरिया में। वहां पर अर्चना कहती हैं, सबसे पहले तो रुको मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैठी हैं अर्चना और ये बैठी हैं सौंदर्य, वो साइड वाले एरिया पे है ना, और यहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रही हैं। अब इस इन बातों में अर्चना कहती हैं कि यार सुम्बुल दिल की अच्छी है, कुछ भी बोलो। जिसके बाद सौंदर्य वहीं बैठी होती है, सौंदर्य कहती है हाँ अच्छी के साथ साथ बहुत स्वीट भी है वो इस घर के लिए नहीं बनी है। ये बात कह रहे हैं सौंदर्य और अर्चना कि सुम्बुल वैसे बहुत अच्छी है और वो इतनी अच्छी है कि वो इस घर के लिए नहीं बनी है ऐसा लगता है कभी कभी, बिकॉज वो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि वो नेचर भी उसका काफ़ी अच्छा, वो केयरिंग है काफ़ी ज़्यादा। जिसके बाद अर्चना कहती हैं देख 80 दिन के बाद अब पता चल रहा है कौन दिल का अच्छा है और कौन बुरा है ना। सो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जनता देख रही है और जनता इन चीज़ों के बारे में सोच रही है कि हाँ यार, मतलब सोचो अर्चना अब जाकर ये बात कह रही है, अर्चना अब ये बातें बोल रही हैं कि उन्हें सुम्बुल बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि सुम्बुल और अर्चना की कभी बहस नहीं हुई कल, लेकिन जब अर्चना रो रही थी अगर आपको याद हो, वही किचन था, वही लोग वहां पर थे, निमृत, शिव, सुम्बुल, अर्चना, सौंदर्य, वही लोग वहां पर थे, लेकिन सिचुएशन कितनी डिफरेंट थी। देखिए एक बार पहले यही सिचुएशन आई थी जब अर्चना ने शिव का गला दबाया था, और आज मतलब कल यही वो सिचुएशन दोबारा आई जहां पर अर्चना रो रही थी और सुम्बुल अर्चना को शांत करा रही थी, अर्चना को गले लगकर उन्होंने चुप कराया कि भाई ठीक है रो मत, तू ये मत कर वो मत कर, तो इस तरीके से एक वो अपनेपन से अर्चना को संभाल रही थी। ये चीज़ अर्चना को काफ़ी ज़्यादा टच कर गई है। लेकिन अर्चना की पता है प्रॉब्लम क्या है, वैसे वो अच्छी हैं, ऑब्वियसली वो अच्छी हैं, तभी वो सक्सेसफुल इतनी हो रही हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वो जैसी है वो नेचुरल है। लेकिन नेचुरल होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपना देखो, वो थोड़ी सी ओवरली यू नो सेल्फ सेंटर्ड हैं और वो चीज़ कभी कभार उनके हित में नहीं रहती, वो चीज़ कभी कभार उन्हीं पर बैकफायर कर जाती है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और अब आपको क्या लगता है आप बताइए ज़रूर हमें।